नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वैशालीज गार्डन से स्वागत है आप सबका वैशालीज गार्डन में। तो आज हम मिलने वाले हैं टैंगल हार्ट वाइन से। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और बुशी ये प्लांट होता है, जिसे हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने गार्डन में इसको किस तरह से लगा सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पहले सॉइल मिक्सचर की। लिए सॉइल मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छा और पोरस बनाना जरूरी है। इस प्लांट में ये जो लीव्स है इनमें बहुत वाटर भरा रहता है, तो ये प्लांट सर्कुलेंट फैमिली में आता है। तो इस हिसाब से हमें अपना प्लांट के लिए मिट्टी बनाना जरूरी है। इस प्लांट में हमें किस तरह की मिट्टी चाहिए वो पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए गार्डन सॉइल, थोड़ा सा कोकोपीट और नीम खली, थोड़ा काउडंग कंपोस्ट। इस तरह से हम लेंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये सर्कुलेंट फैमिली में आता है, तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और अगर हमारे प्लांट में पानी ज्यादा हो गया तो हमारा प्लांट खराब हो सकता है, तो हमें पानी की बहुत ध्यान रखना है। पानी जो है हमें इसके सॉइल को चेक करके ही इस तरह से डालना है। अभी जो मेरी मिट्टी है पूरी तरह सूखी हुई है, फिर भी मैंने प्लांट को अभी पानी नहीं दिया है, क्योंकि दो दिन पहले मैंने पानी दिया था। और अभी का टाइम जो है ये है बारिश का, तो बारिश के जो मौसम होता है वो ज्यादा ऐसा मॉइस्ट रहता है, मौसम एकदम अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स में देखिए आप कहां पर भी ऐसा सूखा हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें पानी का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें सेव हो जाता है पानी। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर के लिए मैं इसमें साल में बस दो बार ही काउडंग कंपोस्ट डालती हूँ, बस इतना ही डालती हूँ, बाकी इसके सिवाय कुछ भी नहीं डालती। लेकिन मैं धूप के दिनों में इसके ऊपर मिस्टरिंग करती हूँ ताकि इसको जरा सी राहत मिले धूप की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, तो हमें इसको सेमी शेड एरिया में रखना ज़रूरी है। देखते हैं इसका प्रोपोगेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से हमें कटिंग या ऐसे लेके इसको किसी भी सिंपल से सॉइल मिक्सचर में भी लगाएंगे हम, तो भी ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ हो जाती है। तो देखते हैं हम, मैंने ग्रोथ किया हुआ ये छोटा सा कटिंग। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको हम छोटी सी छोटी कटिंग से, इतना सा भी हम कटिंग लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीक में इस प्लांट की एक कटिंग लगवाई थी, देख सकते हैं आप। तो अब देखते हैं हम इसकी रूटिंग हुई है या नहीं। देखिए मैं अभी इस प्लांट को हल्के हाथ से निकल रही हूँ ताकि इसका रूट खराब ना हो। देखिए तो इसकी रूट्स बहुत ही अच्छी निकली है, देख सकते हैं। तो ये 8 दिन का रिजल्ट है मेरे इस प्लांट का। तो देखिए बहुत ही अच्छी रूट्स निकली है, और इस तरह से सारी नोड एरिया पे, देखिए सारी नोड एरिया पे रूटिंग हो चुकी है। तो ये प्लांट अभी हमारा एकदम अच्छे से सर्वाइव हो गया है, तो हम अब इसको किसी भी पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ है और हमारा नया बेबी प्लांट तैयार हो चुका है, देखिए एकदम बढ़िया। इस प्लांट को हम इतनी सी कटिंग से भी हम लगा सकते हैं, तो आप भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए इस प्लांट को, और देखिए आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाए। इस प्लांट को अपने गार्डन में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सुंदरता प्रदान करता है। देखिए बहुत ही अच्छे से और हेल्दी भी होता है, साल भर ये इसी तरह से हरा भरा रहता है। हम जितना भी कटिंग करते हैं उसका उतना ही वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो मैंने इसकी दो बार प्रूनिंग की है, फिर भी अभी नए नए लीव्स आने लगे हैं, देख सकते हो आप इस तरह।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।